नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। जी हां, आज 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ आए हैं और ऐसे नए चेहरे हमारे सामने आए जिन्होंने पिछले एक साल में खूब मेहनत की, जी तोड़ पढ़ाई की और उसके बाद अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए आज वो पूरे मध्य प्रदेश पर छा गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन टॉपर्स की जिन्होंने शानदार अंक हासिल किए हैं और मध्य प्रदेश में न सिर्फ बल्कि पूरे देश में अपने परिवार वालों का, अपने स्कूल वालों का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन किया है। तो वो प्रतिभाएं जो हैं आखिर कैसे इस मुकाम तक पहुंची, क्या खास बात थी उनमें ऐसी, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और 10वीं और 12वीं जिनसे हर स्टूडेंट डरता है, आखिर वो इन परीक्षाओं में कैसे 500 में से 499 अंक तक ले आए, तो ये क्या राज की बात है, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा भोपाल जिले में जिन्होंने 10वीं में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर गौरव हमारे साथ में। गौरव, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू, बट ये सब स्कूल की वजह से एंड खुद की मेहनत की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, नहीं तो इतना अचीवमेंट हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम कर तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गौरव से ही कि आखिर ऐसी क्या वजह, लेकिन एक पहले मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा उन टॉपर्स का, जरा उन पर एक हम उनका नाम जरूर बताना चाहेंगे। यहाँ पर एक गौर झामर से गुदड़ी का लाल निकला, ये देखिए गगन दीक्षित, पहला अंक उन्होंने हासिल किया है, 499 अंक उन्होंने पाए हैं, सागर जिले के गौर झामर से हैं। आयुष्मान ताम्रकर ये भी सागर जिले से ही हैं, उन्होंने भी 499 अंक हासिल किया। आपको बताएं कि जो गगन है वो सरस्वती शिशु मंदिर के स्टूडेंट हैं। दीपेंद्र कुमार सागर से ही हैं, 497 अंकों के साथ उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। महिमा नामदेव सागर से ही है, 496 अंक, तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया। और देखिए ये किसी जमाने में हम कहें कि बच्चों के लिए सपना होता था इतने अंक हासिल करने, लेकिन आज बच्चे इस सपने को साकार करके बता रहे हैं। हर्ष कुमार पोष्टी सागर से ही है, 496 अंक, तीसरा पोजिशन। टॉप करेंगे जिले में, नहीं इतना तो नहीं सोचा था, पर शुरू से ही मतलब हमने स्टडी रोजाना करते थे 9th तक भी, तो बिल्कुल फियर नहीं था कि 10th में ज्यादा कुछ बड़ा होगा। अच्छा, 9th में कितने परसेंट थे? 9th में जितने मेरे अभी है ना 97.6 इक्वल यही थे। अरे वाह, वो उस दिन क्या सोचा था 10th के लिए, क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? स्ट्रेटेजी यही बनाई थी कि जो स्कूल में होगा उसका रिविजन करेंगे, डेली स्टडी करेंगे ताकि लास्ट में प्रेशर ना हो बिल्कुल भी। अच्छा, स्कूल से छुट्टी कितने दिन मारी है आपने साल भर में? बंक तो बिल्कुल नहीं किया, बट या स्कूल्स में जो कंपटीशन होता था उसमें जरूर पार्ट लिया। अच्छा, सरस्वती शिक्षु मंदिर के आप स्टूडेंट हैं, तो क्या खास बात यहाँ पर आपको अलग पढ़ाई लगती है यहाँ की? यहाँ पर सब कुछ तो होता है, बट अदर स्कूल से ये है कि यहाँ पर वो भारतीय संस्कृति की बात बताई जाती है और संस्कारों को लेकर बात होती है और डिसिप्लिन को ज्यादा। अच्छा, विषय आपको कौन सा पसंद है? मैथमेटिक्स। गणित से सब डरते हैं लेकिन गौरव आपको डर नहीं लगा, क्यों? वो उसमें पहले से इंटरेस्ट है तो उससे फियर नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? डेली ओनली 2 आवर्स। सिर्फ 2 घंटे में? और 488 अंक डेली करते थे ना, 365 डेज काफी होते हैं। अच्छा, एग्जाम के दिनों में क्या रिवीजन कुछ ज्यादा बढ़ जाता था या ज्यादा समय दिया आपने एग्जाम में? एग्जाम के दिनों में 2 बार रिवीजन हो जाता था सब्जेक्ट का। अच्छा, जब पेपर दिए थे आपने तब मन में था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा? ये तो पक्का पता था कि 95 अबव बनेंगे, बट 97 इतने बने। सर, अब आपसे जानना चाहूंगा हितानंद जी कि ये क्या खास बात है सरस्वती शिशु मंदिर की कि 5 टॉपर्स आपने दिए हैं सागर जिले से और 10th के टॉपर्स में 5 सरस्वती शिशु मंदिर के? नहीं, पहले तो दीपेश जी आपकी बात का संशोधन करता हूँ, अकेले
सागर जिले से बोर्ड की सूची में 15 संख्या है, पूरे प्रदेश में 10वीं में 37 संख्या है और 12th में 12 संख्या है। तो पढ़ाई की दृष्टि से विचार करते हैं, सामान्यतः अन्य शिक्षण संस्थाओं में रटाने की विद्या रहती है, रटाने पर ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ जो बेसिक प्रारंभ होता है, भाषा को चार स्तर पर लिया जाता है कि प्रारंभ जब जिसको समाज में नर्सरी कहते हैं, हमारे यहाँ शिशु वाटिका के नाते उसको लेते हैं, तो उसको भाषा में पहले उसका सुंदर लेख हो जिसको राइटिंग कहते हैं, फिर श्रुत लेख हो कि वो सुनकर लिख सके, फिर उसका शुद्ध हो, पर तीसरा जिसको अपन नकल के रूप में इबारत कहते हैं उर्दू में, उस प्रकार से एक भाषा पर अंक ज्ञान के नाते, तो जो बेस नींव मजबूत करते हैं और जो उसका बाल केंद्रित शिक्षा, प्रयोग आधारित शिक्षा, इस प्रकार से शिक्षण कराते हैं हम। सामान्यतः स्कूलों में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अपन जैसे पुराना उदाहरण दे, हमने रामायण पढ़ी और सुनी है और रामानंद सागर की देखी है, तो दोनों में से जो अपने को आज याद रहता है वो रामानंद सागर का याद रहता है। तो आज टीएलएम की ओर समाज की शिक्षण व्यवस्था बढ़ रही है, उस व्यवस्था पर हम ध्यान देते हैं। और इसको तीसरा पार्ट, अगर हमने किसी भूमिका के नाते, अगर रामलीला जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होती है उसमें पात्र के नाते या एनुअल फंक्शन में कोई भूमिका हमने बात है, तो हमें जीवन याद रह जाता है। इसलिए सूत्र कहते हैं, जो देखा सुना वो भूल गया, जो देखा वो याद रहा, जो किया वो सीख गया। इस नाते से शिक्षण सीख जाता है व्यक्ति। और हम मातृभाषा आधारित शिक्षण कराते हैं, तो क्योंकि उसके घर में जो वो माँ बोलती है, माँ बोलते हैं, उस भाषा के आधार पर उसकी अन्य भाषाओं पर भी पकड़ बनती है, इसलिए मातृभाषा पर हम विशेष जोर देते हैं। विद्या भारती के जो स्कूल चलते हैं सरस्वती मंदिर, और मध्य प्रदेश में ही नहीं है, आज असम का भी परीक्षा परिणाम आया है, वहां भी मेघश्री बहन 10वीं के प्रथम स्थान पर आई है बोर्ड में। तो ऐसा गत वर्ष 10 बोर्डों में आए थे, हर वर्ष किसी न किसी, सीबीएसई में तीसरा स्थान हापुड़ की बहन ने प्राप्त किया है। तो ऐसा परीक्षा परिणाम के नाते से विचार नहीं करते, खेल के नाते से भी हम एसजीएफआई में अगर पूरे देश का विचार करते हैं तो विद्या भारती एक स्टेट के नाते उसमें खेलती है, और उसमें एक विद्यालय के नाते भोपाल का ही शारदा विहार आवासीय विद्यालय है, उसने 129 पदक प्राप्त किए, किसी भी एक विद्यालय ने इतने पदक प्राप्त नहीं किए। तो संस्कार की चर्चा समाज करता है, लेकिन खेल है और परीक्षा परिणाम आपके सामने है, तो शिक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ एक सामान्य सूत्र के नाते करते हैं, दिखावा नहीं करते, प्रदर्शन की आदत नहीं है, इसलिए समाज में परीक्षा परिणाम देते। गत वर्ष 62 छात्र 10वीं में थे, उससे पिछले साल 59 थे, हर वर्ष कोई ना कोई परीक्षा परिणाम में हमारा स्थान रहता है। ये जो माता पिता प्रेशर बनाते हैं और उनको भी लगता है कि भाई अगर बच्चे का हमको अच्छा भविष्य बनाना है तो हम क्या करें, उसको नहीं पढ़ने का बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और कोचिंग कल्चर जो आया है, अब माँ बाप मान लीजिए नौकरी पेशा है, उन्होंने कोचिंग भेज दिया बच्चे को, ये व्यवस्था कैसी आप देखते हैं? दीपेश जी, हम मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी माताजी उसको पढ़ाने लिखाने पर प्रयास करते तो आज उसको हम क्रिकेट का भगवान या इतना बड़ा व्यक्ति मानते क्या? लता मंगेशकर जी हैं, गायन क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है, स्वर कोकिला हैं, तो ऐसे अनेकों प्रतिभाएं, हम प्रतिभा का दमन करते हैं, प्रतिभा का पलायन करते हैं, वास्तव में उसकी प्रतिभा क्या है उसकी पहचान करते उस दिशा में आगे बढ़ाएं, ना कि एक अंक की दिशा में, एक विषय की दिशा में आगे बढ़ाएं, जैसे आपने पहले कहा कि थोपते हैं, तो थोपने की दिशा में उसके विषय को पहचाने। एक छोटी उम्र में जैसे ध्यान में आता है कि उसका कला के क्षेत्र में जा सकता है, खेल अकेडमिक क्षेत्र में आ सकता है, जरूरी नहीं सभी अकेडमिक शैक्षिक जगत में ही जाएं, तो प्रतिभाएं हर जगह हो सकते हैं, उसका सर्वांगीण विकास होता है तब उसकी पहचान होती है। तो उस अभिभावक को सोचना चाहिए उसका विकास किस दिशा में करना है, थोपना नहीं, थोपनी पद्धति से बचना चाहिए। क्या माँ बाप, जैसा कि आपने कहा था कि एक ब्यूरोक्रेट ने अपनी मार्कशीट जारी की है, मैं आपसे भी प्रश्न करता हूँ, मैं अपने आप से भी करता हूँ कि मेरे परीक्षा परिणाम को देखें तो मेरे कितने मार्क्स आए थे, अपने बारे में नहीं सोचता, वो पड़ोसी के बच्चे के बारे में सोचता है। इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ, एक बालक और पिता गाड़ी चला रहे थे, छोटी गाड़ी थी मारुति 800, तो एक पास से गाड़ी निकली, थोड़ी इससे बड़ी गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा पापा ये गाड़ी तेज जा रही है इससे तेज निकालो, तो उनसे निकाल दी। दूसरी गाड़ी आई फॉर्च्यूनर, तो उसने कहा इसको भी अपनी गाड़ी से आगे निकल रही है, तो उन्होंने कहा बेटा अपनी गाड़ी में इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, ये आगे नहीं जा सकती। तो फिर उसने बालक ने कहा पिताजी आप उनके बेटे का उदाहरण देते हैं, मेरे में जितना सामर्थ्य है उतना ही तो आगे निकलूंगा। तो इस बात को ध्यान में रखता है अभिभावक, उसे लगता है कि ये सब मारकर ठोककर और कई अन्य बातों से ठीक हो सकता है, कुछ बातें गॉड गिफ्टेड रहती हैं, कुछ प्रतिभाएं रहती हैं, उस प्रतिभा के नाते उसको पहचानना चाहिए, ना कि उसको अंकों के आधार पर नाप तोल करना चाहिए। इसलिए अभिभावक को समझना चाहिए कि मेरा बालक एक अंक ला के ही कुछ नहीं हो जाएगा, अंकों के आधार पर कुछ नहीं होता,
अरे वो जिगर का टुकड़ा है, उसको अगर अपन ने अन्य बातों पे दबाव दिया तो अन्य कोई घटनाएं करेगा, इसकी वजह उसको कागज के टुकड़े से नहीं तोड़ना चाहिए जिगर के टुकड़े को, वो जिगर का टुकड़ा है, उसको जिगर के नाते से कैसे अपनत्व दे सकते हैं, अपनापन दे सकते हैं, उस नाते से विचार करना चाहिए।